अरे भाई, तो आप लोग भी क्राउन ज्वेल के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। मैं भी हूँ। इसलिए आज क्राउन ज्वेल के 5 बड़े मैचेस का हम लोग गेम प्ले करेंगे और एक हाईलाइट स्टाइल में गेम प्ले करेंगे। यानी कि मैं तो फुल गेम खेलूंगा, लेकिन आप लोग जब वीडियो देखोगे तो उसको मैं एडिट कर दूंगा और सिर्फ आपको हाईलाइट्स देखने मिलेगी। यानी कि मैच के जो जो अच्छे मोमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई, फर्स्ट मैच है एज वर्सेस सेथ और इस मैच में मैंने एज लिया है भाई। हेल इन अ सेल, यानी कि सबसे पहला काम है सेल तोड़ना। नीचे पहुंच गए हम लोग, सेथ सेल तोड़ने के लिए तैयार। और फील गेम फैमिली, वीडियो को लाइक कर लो आप लोग जिसने नहीं किया, और नहीं तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना और अपनी प्रिडिक्शन सारे मैचेस के बारे में मुझे कमेंट करके बताना भाई कि आपको क्या लगता है एज वर्सेस सेथ में कौन जीतेगा, रेटेड सुपरस्टार एज या फिर सेथ रॉलिंग्स। सेथ को अब मैं जा रहा हूँ टेबल तोड़ने के लिए। अरे भाई, नीचे कहाँ चला गया सेथ यार? टेबल तोड़ना था मेरे को यार, सेथ नीचे डायरेक्ट चला गया। अच्छा, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जा भाई। दो दो टेबल रखे हुए, लेकिन एक ही बार में दोनों टेबल तोड़े जाते हैं, आप लोग जानते ही हो। 2K20 मनु सेथ आ चुका ऊपर, नीचे जाने के लिए तैयार सेथ भाई। सेथ टाटा, दोनों टेबल एक बार में क्यों टूटता है यार? दो बार हम लोग फेंक के तोड़ सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, एक रिंग के अंदर भी टेबल रख के हम लोग तोड़ेंगे मैच के बीच में। सेथ के पास 3 का 3 फिनिशर बचा है। सेथ आजा भाई, अंदर आजा जल्दी, मेरे पास स्पीयर तो है ही, लेकिन पिनफॉल अभी नहीं। अगर पिनफॉल अभी भी करेंगे तो सेथ बच जाएगा। सेथ के पास रेजिलेंस, सेथ ने बचा के रखी है। ऐसे मैंने इस मैच की एबिलिटी मूव थीफ ले ली है ताकि सेथ का कर्व स्टॉर्म दे पाऊं, लेकिन उससे पहले टेबल तोड़ेंगे हम लोग। टेबल रख के मैं जाऊंगा भाई ऊपर। रेफरी हट जा, हट जा रेफरी, टेबल रखने दे। सेथ एक और सेल तोड़ने के लिए तैयार है। सेथ ऐसे भी दो दो फिनिशर है, करना क्या है इतने फिनिशर का? अरे कैमरामैन दिखा ना यार, क्या कर रहा है कैमरामैन? देख रहे हो कहां दिखा रहा है कैमरामैन? यार तू बड़ा बेकार आदमी है यार। सेथ के मुंह पे दिखाना चाहिए तो पता नहीं सेल को दिखा रहा है। चलो सेथ थोड़ा जल्दी आना, टेबल अंदर इंतजार कर रहा है सेथ का। और भाई, आप लोग सोचोगे आज हाईलाइट टाइप की वीडियो मैंने क्यों बनाई, क्योंकि हम लोग कल लाइव स्ट्रीम करने वाले, याद रखना कल बहुत बड़ा लाइव स्ट्रीम होने वाला है, तो उसमें तो हम लोग फुल मैच खेलेंगे ही, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई आज कुछ अलग होना चाहिए। और आप लोग बताना कि ये स्टाइल आपको कैसा लगा, और हम लोग कभी कभी ऐसा भी करके डालेंगे वीडियोज। सेथ आ जाओ भाई एकदम फटाफट, जहाँ मुझे पूरा मैच खेलना पड़ता है, लेकिन मैं उसको एडिट करके छोटा कर दूंगा। आ जाओ भाई सेथ, देख सेल तैयार। एज की स्पीयर से तो सेल टूटेगा नहीं, मतलब ये वाला सेल ऊपर वाला, ऐसे टूटना तो चाहिए था लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है सिग्नेचर से टूट सकता था, लेकिन मेरे पास सिग्नेचर नहीं है। तो भाई मैं चाह रहा हूँ कि नॉर्मल DDT या फिर कुछ धोबी पछाड़ मारूं यहाँ पर सेथ को, तो सेथ नीचे चला आएगा डायरेक्ट। बस टेबल टूट जाना यार, कभी कभी ग्लिच हो जाता है, टेबल नहीं टूटता है, टेबल बंद हो जाता है, तो वैसा मत होना प्लीज। सेथ ने अभी तक अटैक इस मैच में मेरे ऊपर ज्यादा नहीं किया है, क्योंकि सेथ को मैंने मौका ही नहीं दिया कुछ करने का। सेथ गया नीचे, सेथ के पास लेकिन 3-3 फिनिशर और रेजिलेंस भी है, यानी इतनी आसानी से सेथ हारने वाला है नहीं, याद रखना। ये देखो सेथ ने अब करेगा सेथ कांड, और भाई साहब किंग्स लैंडिंग लगा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये फर्स्ट फिनिशर है तो इसको तो मैं सर्वाइव कर ही जाऊंगा। वन, चलो किकआउट तो कर ही दिया, पता ही ना किकआउट कर देंगे यार, अभी तो मतलब एक ही फिनिशर खाया है, 2-3 फिनिशर खा ले तो अलग बात है। अरे सेथ ने दूसरा, अरे सेथ सांस तो लेने दे यार, पूरे मैच में नहीं मारा था, अचानक से क्या हो गया सेथ को? दूसरा फिनिशर लगा दिया यार सेथ ने। वन, चलो ठीक है, ये भी सर्वाइव कर लिया सेथ, अब तीसरा नहीं लगाना यार, ऐसे मत करता भाई सेथ, 3-3 फिनिशर अच्छा नहीं होता है। तीसरा भी लगा दिया सेथ ने, तीसरा भी लगा दिया भाई लोग, अब क्या होगा? ऐसे हेल्थ तो है, किकआउट कर दूं तो अच्छा रहेगा, रेजिलेंस है नहीं। टू, अरे नहीं, हाँ ठीक है, मेरे पास मूव थीफ आ गया, यानी कि अब मैं सेथ कुछ देर के लिए बन सकता हूँ, लेकिन उससे पहले रिवर्स। अरे सेथ के पास कमबैक भी है यार, सेथ के पास क्या नहीं है? मैं तो भूल ही गया था कि सेथ मास्टर है भाई 2K20 में, पूरा कमबैक मारा यार सेथ ने, अब क्या जान लेगा सेथ? पूरे मैच में नहीं पीटा सेथ ने, और इधर इतना ज्यादा पीट दिया। चलो भाई, मैं सेथ बन चुका हूँ कुछ देर के लिए, यानी कि सुपर किक और स्टॉर्म दे सकता हूँ मैं। सेथ जल्दी आ जा भाई, स्टॉर्म टाइम, कब स्टॉर्म देना है सेथ को, और ये सेथ गया, रिवर्स नहीं किया, सेथ अच्छा आदमी है। किंग्स लैंडिंग मुझे उतना मजेदार शॉट नहीं लगता, इसलिए मैं स्टॉर्म भी दूंगा एक और बार। चल भाई सेथ, मैच खत्म करने का टाइम आ गया, रेफरी पिनफॉल। अरे भाई सेथ के पास यार रेजिलेंस है यार, बस उम्मीद करता हूँ कि यूज ना करे सेथ, चांसेस है कि यूज करेगा। 1-2 किक आउट कर दिया, मुझे पता था
कोई बात नहीं, मेरे पास भी कमबैक आ चुका है। सेट ने इतना मारा, ले भाई पूरा कमबैक मैं भी मारूंगा। सेट ने भी नहीं छोड़ा था मुझे, मेरा मूव थीफ खत्म हो गया, इसलिए फिर से मैं वापस से एज बन चुका हूं। आज हम लोग एक दो मैच में और मूव थीफ लेंगे। सेट ले भाई सिग्नेचर स्पीयर और अब तो गेम खत्म यार। बस सेट रिवर्स नहीं करना, सेट रिवर्स नहीं करना वरना मेरा गेम खत्म हो जाएगा। और भाई यार सेट ने रिवर्स कर दिया, सेट अपना फिनिशर देने जा रहा है। स्टॉर्म ये पड़ा मेरा टाटा। सेट चल भाई सिग्नेचर टाइम, सेट ने रिवर्स कर दिया। ये क्या चल रहा है, सिग्नेचर फिनिशर छीना छानी चल रहा है। सेट ने वापस छीन लिया है सिग्नेचर, फिर से रिवर्स। अरे कितना रिवर्स कर रहा है, लास्ट टाइम में सेट जोश में आ जाता है। अब तो सेट को पड़ेगा भाई सिग्नेचर, बहुत बचा लिया सेट ने। चलो अब तो स्पीयर भाई, लास्ट स्पीयर लास्ट है सेट के पास। रेजिलेंस हाँ नहीं आई है, नहीं आई भाई रेजिलेंस नहीं आई है, यूज नहीं कर पाएगा सेट। आ जाओ सेट, फाइनल स्पीयर और मैच खत्म होने वाला है भाई। फर्स्ट मैच, पांच मैचेस खेलेंगे हम लोग। 1 2 3 रेडा सुपरस्टार एज जीत चुके हैं। आप लोग बताना इस मैच के लिए अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा असली क्राउन ज्वेल में, एज वर्सेस सेथ रॉलिंग्स के मैच में। और मैं अपनी प्रेडिक्शन भाई कल बताऊंगा, आज तो मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ ठीक है वीडियो के लिए, लेकिन कल जब हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे तब मैं अपनी ओरिजिनल प्रेडिक्शन बताऊंगा। चलो भाई एज जीत गए। अब अगला मैच हम लोग जो सोच रहे हैं मैं खेलूं बिगी वर्सेस ड्रू मैकइंटायर फॉर WWE चैंपियनशिप ठीक है, उसमें तो पता ही है यार सबको कि कौन जीतेगा। ऐसे आप लोग भी बताना उस मैच के लिए भी। चलो ये शुरू होने जा रहा है WWE चैंपियनशिप के लिए, बिगी वर्सेस ड्रू मैकइंटायर। इस मैच में मैंने मूव थीफ ले लिया है, मूव थीफ लेके मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ रही है। क्लेमोर के ये वाले ड्रू मैकइंटायर तो देते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं देते यार। जब से मैच शुरू हुआ है ड्रू मैकइंटायर बस मुझे उठा उठा के फेंक रहे हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में। यार क्राउन ज्वेल से मैचिंग मैचिंग कपड़े पहने थे मैंने यार, बस ड्रू अब नहीं हो गया ड्रू, बस मार लिया बहुत यार, बेली टू बेली सुप्लेक्स। सब ब्रॉक लेसनर बन रहे हैं, कोई बात नहीं। OMG देने का टाइम आ गया भाई, OMG बड़ा मस्त है। स्पीयर देते हैं भाई बिगी, नीचे अगर टेबल रख दे तो टेबल टूट जाता, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल मैच है इसलिए टेबल नहीं है यार रिंग के अंदर। ऐसे मैं चेक कर लूंगा लेकिन मुझे पता है कि टेबल नहीं है रिंग के अंदर। चलो क्लेमोर टाइम, क्योंकि मैं बन चुका हूं भाई ड्रू मैकइंटायर, तो अब हम लोग तीन तीन क्लेमोर किक लगाएंगे ड्रू को। एक ड्रू हिलना नहीं अपनी जगह से, सेकेंड क्लेमोर किक ड्रू थोड़ा सामने देखना, ड्रू मैकइंटायर तो नहीं दे रहे यार, किसी को तो देना पड़ेगा ना क्लेमोर किक। तीसरा और गेम खत्म है, WWE चैंपियनशिप रिटेन कर लूंगा अपना अगर ड्रू ने रिवर्स नहीं किया तो। ड्रू मत थी, अरे जैसी मैं बोलता हूँ ना काली जबान यार, काली जुबान ओपी कर लो भाई चैट में एक बार, जैसी बोलता हूँ वैसे ही रिवर्स होता है। सिग्नेचर दे सकता था, रिवर्स कर दिया ड्रू ने यार कुछ ज्यादा ही। मैंने भी रिवर्स कर दिया ड्रू, ड्रू के पास फिनिशर आ चुका है, थोड़ा संभाली के ड्रू से। ऐसे ड्रू मैकइंटायर क्लेमोर किक नहीं देते हैं तो एक अपना एडवांटेज है ही, फ्यूचर शॉक DDT देते हैं वो बचाना थोड़ा आसान है, तो टेंशन नहीं है, ड्रू से उतना खतरा नहीं। नया वाला ड्रू डाउनलोड करना होगा शायद, वो दे क्लेमोर किक, मेरे पास तो है शायद नया वाला। अरे नहीं इसमें नहीं, PC में है यार, मैं खेल रहा हूँ PS5 में, इसमें मैंने नया वाला ड्रू मैकइंटायर डाउनलोड नहीं किया है। चलो फिनिशर, अब गेम खत्म करते हैं यार, बिग एंडिंग। WWE चैंपियनशिप रिटेन करने वाला हूं मैं, रेफरी पिनफॉल कर, खत्म करे यार अब मैच। 1 2 तो भाई रिटेन कर लिया बिगी ने उनका WWE चैंपियनशिप। आप लोग भी कमेंट करके बताना किस मैच में आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। ये कौन आ रहा है, अरे कौन आ रहा है भाई, अरे बिगी आ रहा है, वो भी मनी इन द बैंक लेके आ रहा है। ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या है, बिगी के ऊपर बिगी कैश इन कर रहा है मनी इन द बैंक। अरे बिगी क्या कर रहा है तू, डुप्लीकेट बिगी यार, मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया, मैं थका हुआ हूं पहले से बिगी, ये गलत बात है यार, क्राउन ज्वेल में कैश इन कर दिया यार इसने, सिग्नेचर भी दे दिया, मेरी पूरी हेल्थ खत्म है, ये जीतने वाला है। ब्लू वाला बिगी कंप्यूटर है, कैश इन कर दिया यार इसने, रेफरी धीरे कर पिनफॉल। 1 थके हुए आदमी के ऊपर कैश इन करता है यार, फिनिशर भी आ गया इसके पास,
फिनिशर भी आ चुका है, बिग एंडिंग नहीं खाना वरना ये मैच एंड हो जाएगा, क्योंकि रेजिलियंस भी नहीं अपने पास। अरे भाई जीतने वाला है, मैं जीतने नहीं दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता यार। नहीं, बहुत मुश्किल से रिटेन किया है यार, मत कर पिनफॉल कर लिया इसने। रेफरी जा रहा है वन, ओ बेचारा बिगी यार, कैश इन फेल होने वाला है। चल बिगी आ जाओ ऊपर, मेरे पास सिग्नेचर है। रेफरी गिरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, खड़ा हो जाना रेफरी, सिग्नेचर जब तक दूंगा यार बहुत टाइम। अरे रेफरी सोया हुआ है, अरे चीटर रेफरी, पिनफॉल, रेफरी सोया हुआ है यार, ये गलत बात है। पता है हल्का सा टकरा किया गया था, अभी होश में आया मनुज, बिका हुआ है रेफरी, ये कैशिन को सक्सेसफुल करवाना चाहता है, ये गलत हो रहा है। और फिर से बिग एंडिंग लगा दिया यार, अब तो कोई चांस नहीं, बहुत ज्यादा पिटिया हूं यार मैं, अब कोई चांस ही नहीं है यार, अब कोई चांस मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वन, ओ भाई बेचारे की किस्मत ही नहीं है किस्मत नहीं है ब्लू वाले बिगी की। भाई छोड़ दे अब तू, उम्मीद छोड़ दे, और एक बिग एंडिंग था तेरे, दो दो बिग एंडिंग से मैंने किक आउट कर दिया था, अब तू किक आउट करके दिखा भाई, ओरिजिनल बिगी वही जो जीता। रेफरी पिन कर, वन टू थ्री। भाई इस मैच में दो दो रिप्ले आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि एक मैच में डबल मैच का मजा हो गया मेरे साथ। बिगी पे बिगी ने कैश इन कर दिया, ये क्या चल क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है। ये देखो ड्रू के साथ भी मैच का रिप्ले दिखाया और बिगी के साथ भी रिप्ले दिखा रहा है, आखिरकार रिटेन के लिए। अगर इस मैच में हार भी जाता तो क्रॉन ज्वेल की बात भी बिगी बने रहते WWE चैंपियन। मैं जीतता या नहीं जीतता वो अलग बात है, लेकिन फिर भी बिगी चैंपियन बने रहते हैं। ये अच्छा था यार, ये पता नहीं कैसे हुआ लेकिन ये अच्छा था। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल मैच जो कि होने जा रहा है, फिन बैलर वर्सेस जेवियर वुड्स, इसका गेम प्ले करने वाले हैं। और इस मैच में मैंने फिन बैलर लिया है, तो चलो भाई इसको शुरू करते हैं। आप लोग बताना कि क्या लगता है कि इस साल किंग ऑफ द रिंग कौन बनेगा। लास्ट किंग ऑफ द रिंग शिंस्के नाकामुरा थे, उससे पहले कॉर्बिन था, तो क्या लगता है भाई इस साल कौन बन सकता है जेवियर वुड्स और फिन बैलर में से। अच्छा दोनों ही फेस सुपरस्टार है अभी के लिए, तो अच्छा लगे, फेस सुपरस्टार को भी बनना चाहिए यार, नहीं तो हमेशा हील सुपरस्टार ही बनता है, तो ये भी सही है। जेवियर वुड्स अटैक कर रहे हैं, इस मैच मैंने हेल्थ कम ही रखी है भाई, इसको लंबा नहीं खींचेंगे हम लोग। पिनफॉल कराने जा रहे हैं, किक आउट, जेवियर वुड्स की मदद करने कोफी किंगस्टन भी आए, कूडेग्रास जेवियर वुड्स, देखो कोफी अच्छे आदमी इंटरफेयर नहीं करेंगे मुझे लगता है। वन टू, जेवियर वुड्स हार रहा है, उनको हारने देंगे, कोफी इंटरफेयर नहीं करेंगे, बहुत अच्छा, न्यू डे रॉक्स, कोफी इंटरफेयर नहीं करना। जेवियर ये ले भाई, एक और कूडेग्रास में तो मुझे लगता है गेम हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि रिंग के बाहर से एक बार और कूदूं जेवियर वुड्स के ऊपर। कोफी पे मैं अटैक करता है लेकिन दिल नहीं कर रहा मेरा, कोफी ने इंटरफेयर नहीं किया है, ये हो गया बॉच, मैं अंदर कूद चुका था, जेवियर वुड्स नीचे चले गए यार, देख तो लिया कर, रिवर्स कर दिया जेवियर ने। चल भाई ये फाइनल कूडेग्रास, पहले मैं सिग्नेचर देना चाहता हूँ, सिग्नेचर फिनिशर आप तो कोई नहीं रोक सकता यार फिन बैलर को जीतने से। एक मिनट बस रिवर्स नहीं करना, ना ही सिग्नेचर ना ही फिनिशर। और भाई जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, एकदम फटाफट से लाइक करो यार, एक सेकंड का काम है, एकदम फट से लाइक करो भाई, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबा लो। कूडेग्रास और मैच खत्म, बस जेवियर वुड्स रिवर्स ना करे और हटे नहीं अपनी जगह से, लो हट गया, जैसे ही मैं बना करता हूँ वैसे ही ये लोग रिवर्स करते हैं। अरे गिर ना भाई जेवियर वुड्स यार, फिनिशर देना था, अब पिटेगा भाई ये, पिटेगा, रिवर्सल छीन लिया है, अब तो कोई नहीं बचा सकता, अब कोफी बचा सकते हैं इंटरफेयर करके, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोफी इंटरफेयर करेंगे मैच में, मत करना कोफी, क्योंकि फिन बैलर जीते हुए। वन टू, किंग ऑफ द रिंग बन चुके हैं भाई, क्राउन तो पहनाएगा नहीं, लेकिन आप लोग समझ लेना कि क्राउन पहन लिया है फिन बैलर ने, किंग फिन बैलर, सुनने में अच्छा लग रहा है, किंग बैलर, किंग जेवियर वुड्स भी अच्छा लग रहा है, देखो कौन बनता है यार, ये तो अच्छा होने वाला है इस साल, मतलब कोई फेस सुपरस्टार बने किंग ऑफ द रिंग, तो ये अच्छा है। तो चलो भाई इसके बाद अभी हम लोग खेलने जा रहे हैं बदला मैच, यानी कि बिल गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली। गोल्डबर्ग को उनके बेटे का बदला लेना है, पीटना है बॉबी लैशली को बुरी तरह, तो ठीक है चलो, क्राउन ज्वेल में तो बिल गोल्डबर्ग पीटेंगे ही, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यहाँ भी पीटते हैं लैशली को लगा के मैच के अंदर। नो होल्ड्स बार्ड मैच होने जा रहा है, तो यहाँ भी हम लोग नो होल्ड्स बार्डी मैच खेलेंगे,
कोफी मना कर रहा है कि नहीं जीते फिन बैलर, नहीं कोफी ऐसा नहीं है, जीत चुके हैं फिन बैलर, एक्सेप्ट कर लो इस बात को, फिन बैलर अच्छे लग रहे हैं, चलो तो आगे बढ़ा जाए। बिल गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली, नो होल्ड्स बार्ड मैच है भाई, इस मैच में बताने की जरूरत नहीं, मैंने बिल गोल्डबर्ग लिया और साथ ही साथ मूव थीफ भी ले लिया है, तो ये मैच में जीतना चाहता हूँ हर्ट लॉक सबमिशन देकर लैशली को, गोल्डबर्ग से हर्ट लॉक सबमिशन देना चाहता हूँ भाई लैशली को, तब मजा आएगा। ये नीचे ले गया ना, इसके ऊपर बैरिकेड टूटेगा, नीचे लेके नहीं आना चाहिए था भाई, आ तो आ तो नीचे आ तो, स्टील स्टेप्स लेके मैं खड़ा हुआ हूँ, बूम, बैरिकेड में जाने के लिए तैयार, बैरिकेड में लेके चलते हैं इसको, एक बैरिकेड से हम लोग का दिल नहीं भर रहा है ना, एक और चाहिए, एक और तो बनता है, क्योंकि क्राउन ज्वेल में भी किसी न किसी के मैच में तो भाई टूटेगा, इतने नो डिस्क्वालिफिकेशन वाले मैच है, ट्रिपल थ्रेट मैच है लड़की लोग वाला, वो भी नो डिस्क्वालिफिकेशन है, उसमें तो नहीं टूटेगा बैरिकेड, या टूट भी सकता, कोई ठीक नहीं है, टेबल खोल लिया, लेकिन आई डोंट थिंक टेबल तोड़ने का मूड नहीं यार, बिल गोल्डबर्ग से टेबल नहीं, बिल गोल्डबर्ग से बैरिकेड ही, ये दूसरा बैरिकेड गया काम से, लेकिन मेन मकसद मेरा इस मैच में है बॉबी लैशली को स्पीयर देना, और जैक हैमर चलो दे नहीं दे, लेकिन हर्ट लॉक सबमिशन दे के मुझे जीतना है यार, मूव थीफ इसीलिए लिया ही मैंने, और क्योंकि ये नो होल्ड्स बार्ड मैच है, यानी कि सामान भी यूज कर सकता हूँ, और रियल मैच में भी ये लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, और किसी का भी इंटरफेरेंस हो सकता है रियल मैच में भी, मतलब नो होल्ड्स बार्ड मैच ऐसे बोलने वाला है, कुछ है नहीं, नो डिस्क्वालिफिकेशन ही मान के चलो, ठीक है, स्पीयर देने जा रहा हूं भाई, लैशली तैयार, ओह रिवर्स कर दिया, तीन तीन फिनिशर है लैशली के पास, पता है दो हर्ट लॉक सबमिशन से मेरी जो हेल्थ आप देख रहे हो ना ग्रीन, वो लाल हो जाएगी, दो सेकंड लगेगा, हर्ट लॉक सबमिशन बहुत डेंजर बनाया गेम के अंदर, दो तीन फिनिशर्स बहुत ज्यादा अच्छे बनाए गेम के अंदर, जैसे हर्ट लॉक सबमिशन, F5, स्पीयर, स्टॉर्म, ये सबको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। चल भाई, अरे भाई उछाल की स्पीयर देने जा रहा था, लेकिन मेरे पास मोमेंटम वाला बार कम था, इसलिए उछाल नहीं पाया, अरे वो कॉपीकैट, ये कॉपी कर रहा है यार, ये देखा, मूव कॉपी कर रहा है मेरा, मूव थीफ मैंने लिया, ये मेरा मूव देख के कॉपी करता है, लैशली हट, इसको उछाल के मैं स्पीयर देने जा रहा था, हो गया ना लैशली, बस मार लिया ना, उछाल के भाई इसको एक बार स्पीयर नहीं दूंगा, मेरा दिल नहीं भरेगा, लैशली थोड़ा हट, नॉर्मल, अरे हर्ट लॉक देने जा रहा था लेकिन छीन लिया मैंने, अब तो भाई इसका उछाल की स्पीयर पक्का हो गया है, आ जा भाई, ना ना अभी पिनफॉल नहीं भाई, मैंने बोला ना हर्ट लॉक सबमिशन से ही जीतेंगे हम लोग, मूव थीफ आया नहीं मेरे पास, अरे ये देखो ये कॉपी कर रहा है यार, ये भी उछाल की स्पीयर, कॉपी कैट है यार बॉबी लैशली, पता है मेरा सब मूव देख देख के चोरी कर रहा है, किक आउट कर दिया लैशली, इसके पास एक स्पीयर, अरे भाई स्पीयर ही देने जा रहा है यार ये, इसके स्पीयर तो मैं कॉपी करूंगा, रुक जाओ, मूव थीफ आ गया मेरे पास, बताता हूँ इसको भाई, इसी के स्टाइल में स्पीयर दूंगा, इसी के स्टाइल में हर्ट लॉक सबमिशन दूंगा, तब मजा आएगा, इसके पास कमबैक भी है यार बॉबी लैशली, अरे भाई यूज कर लिया कमबैक, सही है ठीक है यूज कर ले भाई, सब तेरे को काम आएगा आगे, मार लिया कमबैक, ऐसा नहीं कि ये लोग गलत कर दे यार, ना कभी गलत नहीं करेंगे, आप सही टाइम पे बटन दबाओ, लेकिन ये लोग कमबैक अपना गलत नहीं करते हैं, सिग्नेचर आ गया लैशली के पास, नहीं लैशली बस मेरी भी हेल्थ खत्म हो गई भाई, अब लैशली बन चुका हूं मैं, तो लैशली की स्टाइल में स्पीयर हो जाए, उसके बाद हर्ट लॉक सबमिशन और गेम खत्म है, बस रिवर्स नहीं करेगी ये, चलो स्पीयर, हर्ट लॉक सबमिशन के लिए तैयार लैशली, पीछे से दूंगा भाई जाके, हर्ट लॉक सबमिशन और ये लैशली का गेम खत्म है, तुरंत टैप आउट, देखा कितना जल्दी टैप आउट, ऐसे तो डैमेज भी था लैशली, जैक हैमर दूंगा भाई, एक फिनिशर बचा है मेरे पास, तो ब्रेकआउट करके एक जैक हैमर बनता है लैशली के लिए, रुक जाओ रिप्ले हटाने दो, हाँ हो गया लैशली, चलो हर्ट लॉक सबमिशन से टैप आउट किया, रुक जाओ ब्रेकआउट का ऑप्शन आ गया, हाँ भाई एक जैक हैमर देना चाहता हूँ मैं, समोजो क्या कर दिया हो यार, ये गोल्डबर्ग किसको मार रहे हैं हवा में, समोजो अच्छा खासा मैं अभी देने जा रहा था भाई, अब लैशली भाग जाएगा, समोजो अब आप पिटोगे यार, गलत क्यों आए, अच्छा खासा मैं अभी जैक हैमर देता, समोजो पता नहीं उनका कोई लेन देना नहीं,
कुछ ज्यादा ही इंटरफेरेंस हो रहा है यार आज। ठीक है, जैक हैमर तो देना ही था, तो किसी को भी दे दूं काम चल जाएगा अपना। लैशी को देता तो मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं, समो जोही को दे देते हैं। चलो भाई अब हम लोग बढ़ेंगे क्राउन ज्वेल 2021 के मेन इवेंट की तरफ, जो कि आप लोग जानते हो कि क्या है, सब लोग जानते हैं, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेक्स। और इसमें मैंने रोमन नहीं लिया है, इसमें मैंने ब्रॉक लिया है। और रोमन जो कि है वो 100 वाले हैं, आप जैसा नाम देख सकते हो। तो जो लोग भाई मेरा चैनल हमेशा से देख रहे हैं उनको पता है कि ये जो सर्वाइवर सीरीज 2020 है वो 100 वाले रोमन है, यानी कि सबसे खतरनाक रोमन जो गेम के अंदर मेरे पास है वो यही वाले हैं। 100 वाले बहुत रिवर्स करेंगे ये। पॉल हेमन रोमन के साथ है, पॉल हेमन को भी पीटूंगा भाई अगर इंटरफेयर किया तो। सुप्लेक्स सिटी रोमन, पॉल हेमन इंटरफेयर गलती से भी नहीं करना, गलती से भी नहीं करना वरना बहुत पिटोगे। एक और सुप्लेक्स, और भाई इस मैच के लिए तो अपनी कमेंट बताई। अरे पॉल हेमन क्या कर रहे हो, अभी तो मैच शुरू ही किया है इंटरफेयर करने लगे। बहुत बड़े चोर, बहुत बड़े चोर, स्पीयर मार दिया रोमन ने यार फायदा उठा के, देखा ना पॉल हेमन यार। मतलब मैच अभी तो शुरू ही किया था यार, अभी इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है, क्राउन ज्वेल में तो करोगे, रियल वाले में इसमें भी कर रहे हो यार, ये तो गलत है। खुशी देखो ना पॉल हेमन की, पॉल हेमन को पड़ेगी, इंटरफेयर कर दो, ये लो, ये सब होगा क्राउन ज्वेल में भाई। रोमन ये ले भाई, गलत टाइम पे स्टाइल मार रहा था, रोमन से दूरी बनाना अच्छी नहीं है वरना रोमन स्पीयर दे देता है। पॉल हेमन को नीचे से घसीट के लाया जाए क्या, पॉल हेमन को मैं लेके आ रहा हूँ डबल F5 देने के लिए रोमन के साथ मिला के। रोमन चलो भाई, पॉल हेमन भागना नहीं, अरे यार कुछ ज्यादा ही जल्दी भाग जाते मैनेजर लोग, वरना मैनेजर को इजेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ से। ओहो स्पीयर रोमन, नहीं नहीं नहीं, एक F5 हो जाए ताकि रोमन कुछ देर रेस्ट करे, मैं पॉल हेमन को लेके आता हूँ नीचे से। पिनफॉल तो होगा नहीं, फिर भी ट्राई कर लेते हैं, 1 2। हाँ ये तो पता ही था, रोमन से रिवर्स करके नीचे मुझे लेने जाना है यार पॉल हेमन को। पॉल हेमन कितना खुश हो रहे, एक एक मुक्का मुझे पड़ रहा है, पुराने क्लाइंट को भूल गए पॉल हेमन। अब तो डबल F5 बनता है यार इनका। पॉल हेमन को जब तक इस मैच में फिनिशर नहीं पड़ेगा ना, पॉल हेमन को जाने नहीं दूंगा मैं। रोमन जब तक ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स खा के नहीं यहाँ आराम करेगा, मैं नीचे से लेके आता हूँ पॉल हेमन को, तुरंत ये काम करना होगा वरना पॉल हेमन इतने जल्दी भाग जाते हैं ना, वो भी दिक्कत ही है। पॉल हेमन चलो ऊपर चलने के लिए तैयार, डबल F5 टाइम, गिनती चालू कर दी मनहूस रेफरी ने, रुक जाना 2 सेकंड यार। पॉल हेमन को होश आ रहा है, 1 मिनट, पॉल हेमन चलो, अरे डबल स्पीयर दे दिया रोमन ने, ओ भाई स्पीयर ओपी कर लो यार, खतरनाक स्पीयर था। अपने ही एडवोकेट को मार दिया यार, पॉल हेमन को मार दिया रोमन ने भाई, स्पीयर दे दिया और पॉल हेमन को इजेक्ट कर दिया गया मैच से। भाई खतरनाक था ये गलती से होता है डबल स्पीयर वाला पता है, पर मजा आया, ये अच्छा था गुरु। पॉल हेमन को भगा दिया रेफरी ने, चलो पॉल हेमन निकल चुके भाई मैच से, बड़ा मस्त दिया था रोमन ने पता है यार, ये कभी कभी होता है। पॉल हेमन को भी साथ में फिनिशर पड़ा ना, भले डबल F5 नहीं पड़ा लेकिन डबल स्पीयर पड़ा, मजा आया। रोमन को एक उछाल के मैं F5 देना चाह रहा हूँ, चलो रोमन, अरे यार गलत टाइम पे रिवर्स करता है भाई रोमन। रोमन के पास कमबैक भी है क्या, हाँ आई थिंक कमबैक भी होना ही चाहिए रोमन के पास, हाँ कमबैक भी है। ये पीटेगा रोमन, उसके बाद पक्का कमबैक एक्टिवेट करेगा भाई, ये टाइम पे ये लोग कमबैक एक्टिवेट कर लेते हैं आई थिंक, हाँ 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 भाई कमबैक एक्टिवेट करने वाला है रोमन, कमबैक सुपरमैन पंच स्पीयर, इतना सब लगा दिया तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन कमबैक देने नहीं दिया। 2 F5 बचा हुआ है, एक उछाल के F5 दे दूं ना बस मेरा काम हो जाएगा, बस अब जे और जिमी उसको मत आना इंटरफेयर करने, आज तो मत ही आना। चलो रोमन मैच खत्म करने का टाइम आ गया भाई लोग, पॉल हेमन को पर बड़ा खतरनाक दिया था यार, मजा आ गया था उसमें, उसका रिप्ले देखने मिलेगा ना तो मजा आ जाएगा यार, गलती से ऐसा हो सकता है। 1 2 3 इस मैच का सबसे अच्छा मोमेंट था डबल स्पीयर, मजा आया वो देखने में। क्राउन ज्वेल में बहुत मजा आने वाला है और कल हम लोग बहुत लंबी स्ट्रीम करने वाले हैं, याद रखना कल अच्छी खासी लंबी स्ट्रीम चलेगी भाई,
तो कल के लिए तैयार रहना। इसीलिए आप लोगों को मैंने बोल दिया था कि एक दो दिन में स्ट्रीम नहीं करूंगा और एक दो दिन थोड़ी वीडियो भी कम आ रही, इसीलिए क्योंकि कल के लिए एनर्जी बचा रहा हूँ भाई। और आप लोग भी अपनी एनर्जी बचाओ और मोबाइल डेटा भी बचाओ, क्योंकि कल हम लोग लंबा स्ट्रीम करेंगे और आई थिंक वही 2-3 बजे के करीब, मान के चलो 2-3 बजे के करीब लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगी दिन के टाइम में, कल थर्सडे को 21 अक्टूबर को। तो चलो भाई आज की स्ट्रीम यहाँ पे खत्म करते हैं, वीडियो को लाइक कर लेना जाने से पहले, और नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। आप लोग ओपीओ, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, चलो बाय बाय।